ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे शुक्रवार के दिन की व्रत विधि। शुक्रवार को व्रत रखने के क्या फायदे होते हैं और उसकी विधि क्या होती है। देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली में कोई अशुभ ग्रह है अथवा किसी विशेष कार्य में बाधा आ रही हो तो उसे संबंधित वार में विधिपूर्वक व्रत रखने से उस फल की जो प्राप्ति है वो उस जातक को प्राप्त हो जाती है। तो हम शुक्रवार की बात कर रहे हैं। शुक्रवार का व्रत धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि कारक होता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। इस व्रत को श्रावण मास के प्रथम शुक्रवार को प्रारंभ करने से विशेषकर लक्ष्मी की कृपा होती है। मतलब अगर ऐसा मौका आया कि श्रावण आ रहा है तो उसके शुक्ल पक्ष से आप शुरू कीजिए, या फिर प्रथम शुक्रवार जो है, जो भी प्रथम शुक्रवार पड़ेगा वहां से शुरू कीजिए। व्रत के दिन स्नानोपरांत सफ़ेद वस्त्र धारण करके श्री लक्ष्मी देवी की धूप, दीप, श्वेत पुष्प, चंदन, चावल, चीनी, सुपारी से पूजा करके बच्चों में बांट दीजिए। स्वयं भी एक समय श्वेत वस्तुओं का सेवन करें। नमक का प्रयोग नहीं करना है उस टाइम। हो सके तो एक आंख वाले बिच्छू या श्वेत गाय को वही खाना खिलाएं बिना नमक वाला। उद्दापन उपरांत ब्राह्मणों और बालकों में श्वेत वस्तुओं का दान करें। और ये व्रत आपको 21 दिन करना है या फिर 31 दिन करना है, वो आपके सुविधा के ऊपर है कि आप उसे 21 दिन करते हैं या फिर 31 दिन करते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा लाइक करके। धन्यवाद।